अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ये आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे पास है आईफोन 6s, 6s से लेकर आईफोन X तक विदाउट सीरियल चेंज किस तरह से आईक्लाउड बाईपास करना है, फुल नोटिफिकेशन के साथ फेस टाइम वगैरह सब कुछ वर्क करेगा, तो कैसे क्या तरीका कार है, अनलॉक टूल की न्यू अपडेट है, तो आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, 6s और 6s प्लस में खास तौर पर हमें मसला बनता है कि इसका सीरियल जो है वो चेंज करना पड़ता है, और DCSD केबल के बिना वो चेंज नहीं होता, और DCSD केबल हर बंदे के पास है भी नहीं। तो 6s प्लस के लिए स्पेशल वीडियो है, और बाकी 6s से लेकर X तक जो है वो आप विदाउट सीरियल चेंज जो है वो इसको iCloud बाईपास कर सकते हो अनलॉक टूल से। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका कार है, यहाँ पर देखिए हमने केबल लगाए और ये iCloud लॉक पे है, Win RA 1 2.1 आपने जो है वो गूगल से इसको जो है कर लेना इंस्टॉल, और यहाँ पर पहले रैन पर आपने क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन आपका रिकवरी पे चला जाएगा। देखिए फ़ोन हमारा अब रिकवरी पे जा रहा है, यहाँ पर देखिए फ़ोन हमारा रिकवरी पे चला जाएगा। देन उसके बाद हमने इसको जेल ब्रेक करना है यहाँ से। अब यहाँ से हमने स्टार्ट पर क्लिक करना है और इस बटन को सेंटर वाले 6s के लिए, 6s प्लस के लिए, बाकियों के लिए जो ये वॉल्यूम डाउन का बटन होता है और ये जो बटन होता है पावर का, इसको आपने प्रेस करना होता है। अभी देखिए हमने यहाँ पर, मैंने स्टार्ट पर जो है वो यहाँ पर माउस रखना है, और स्टार पर माउस रखने के बाद यहाँ पर मैं बटन को प्रेस कर लेता हूँ, और जो है जो दो बटन है उनको मैं प्रेस कर लेता हूँ, और मैंने दोनों को प्रेस कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पावर के बटन को छोड़ दिया है, और जस्ट जो है वो जो होम का बटन है उसको होल्ड करके रखा है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा फ़ोन है वो DFU में चला गया। अभी यहाँ पर देखें DFU में जा रहा है, और यहाँ पर ये इसको जो है वो जेल ब्रेक करेगा। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि यहाँ पर ये मुकम्मल कर सके उसकी, तो अभी थोड़ा सा मज़ीद वेट करते हैं और फिर इसको जो है वो आपको बाईपास वन क्लिक के अंदर करके दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल मिस्टर आतिफ मोबाइल्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए इन जैसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आपको कोई मसला को परेशानी हो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंस्टा पर मैसेज कीजिए, तो उस चीज़ के ऊपर मैं आपको गाइड भी कर दूँगा, अगर कहेंगे तो प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूँगा। तो अभी यहाँ पर वो देखें चेकिंग कर रहे हैं, इसको ये सामने आ गया, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपके ड्राइवर्स वगैरह ओके होने चाहिए, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर कोई मसला होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर्स ओके नहीं होंगे, तो ये जेल ब्रेक नहीं होता है। कई बार जो है वो हमें चीज़ देखने को जो है वो मसला देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर कोई मसला हमें मिला तो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसका साथ क्या सल्यूशन है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये मुकम्मल जो है वो इसको कर सके। अभी ये वेटिंग पे लगा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए उसने टाइम आउट जो है वो कर दिया है, तो यहाँ पर वो उसको जो है वो चेक नहीं कर पाया और यहाँ पर हमें एरर आ गया। तो हम इसको डन कर देते हैं और दोबारा से जो है ना हम इसको जेल ब्रेक करते हैं। दोबारा से जेल ब्रेक करने के लिए फ़ोन को रिकवरी पे डाल के मैं यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करता हूँ, और उससे पहले हम जो है वो इसके ड्राइवर्स देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे भी चलते हैं, और लिब USB के जो ड्राइवर्स हैं वो भी जो है वो हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। कई बार हमें ड्राइवर्स का इशू भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल करके अगेन यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी अगर आप देखें तो हमने दोबारा से इसको लगा दिया है, और अब देखते हैं दोबारा से ये क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए USB पोर्ट इज़ नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ कनेक्ट टू अनदर पोर्ट। तो ये हमें पोर्ट का इशू कर रहा है, तो हमने इसकी पोर्ट जो है वो अब चेंज करनी है, फिर दोबारा से जो है ना इसको ट्राई करना है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तकरीबन जेल ब्रेक डन हो गया है, और ये जो है वो हमने इसको ट्राई किया है Win RA 1 2.0 पे। किस पे ट्राई किया है? Win RA 1 2.0। यहाँ पर देखिए हमने पहले 2.1 पे ट्राई किया था, लेकिन उस पर नहीं हुआ, तो Win RA 1 2.0 जो है वो इस पर हमने इसको ट्राई किया है, तो यहाँ से हमारा फ़ोन जो है वो डन हो गया। तो इसको हम यहाँ से डन करते हैं, और यहाँ से हम इसको एग्ज़िट करते हैं और एप्पल वाले टैब के अंदर आ जाते हैं। जैसे देखिए एप्पल वाले टैब में हम आ गए हैं, और नीचे यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है बाईपास हेलो जेल ब्रेक, जो है वो इस पर क्लिक करेंगे और नो चेंज सीरियल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जो है वो एक्टिवेटिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, और सपोर्ट iOS 15 to 17 तक जो है वो ये सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये बाईपास हेलो स्क्रीन कर रहा है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये इसको मुकम्मल कर सके। अभी हमारा फ़ोन जो है वह देखिए यहाँ पर है, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए
अभी ये इसको बाईपास करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इसने बाईपास ओके कर दिया। अब ओके होने के बाद हमारा फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर हम वेट करेंगे। ये हमारा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, ये हमारा फ़ोन यहाँ पर ऑन हो गया। यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सेटअप करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे ये हमें क्या दिखाता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम मज़ीद वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसने जो है वो इसको 100% बाईपास कर दिया, जैसे 6S और सॉरी 6 प्लस 5S को किया जाता है, और प्रॉपर सेटअप को जो है वो ये आगे लेके चलता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एग्री में कर देता हूँ इसको, कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन सब सर्विसेज काम करेंगी, ठीक है, सब सर्विसेज, फुल नोटिफिकेशन वगैरह सब एवरीथिंग जो है वो इसके अंदर काम करेगा। तो ये हमारा जो है वो ऑन हो गया है, और इसमें मोबाइल डेटा जो है वो वर्क नहीं करेगा, सिम डेटा जो है वो इसके अंदर वर्क नहीं करेगा। अभी यहाँ पर देखिए जो सिम डेटा दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो सिम डेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।